नमस्कार, स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जानेंगे कि आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल सकता है और दिवाली आते आते ठंड में कितना इजाफा देखने को मिलाएगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन के अंदर। तो दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में धीरे धीरे ठंड में इजाफा हो रहा है। अन्य दिनों की तुलना में बुधवार सुबह दिल्ली NCR में अधिक ठंड महसूस की गई। इस ठंड का असर लोगों पर दिखाई देने लगा है। अब लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। खासकर दो पहिया वाहनों पर चलने वालों ने जैकेट और स्वेटर तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन ठंड में इजाफा रोजाना होता रहेगा। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो ठंड अब धीरे धीरे बढ़ेगी और दिवाली के आसपास तक दिल्ली NCR में ठीक ठाक ठंड हो जाएगी। दरअसल पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दिल्ली NCR समेत तमाम मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा होगा, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट आएगी। उधर दिल्ली में बरसात के कारण सर्दी ने दस्तक दे दी है। बुधवार सुबह ही लोग अधिक ठंड महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे अब धूप में गर्मी भी महसूस नहीं होती। इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली में ठंडक में वृद्धि का दौर बरकरार रहा था। अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट देखने को मिली। अब धूप में भी गर्मी महसूस नहीं हो पाएगी और आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना है, कम होने की नहीं है। दूसरी तरफ मंगलवार को दिन भर दिल्ली NCR में मौसम साफ रहा था। हल्की धूप भी खिली रही, लेकिन ठंड का एहसास होता रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हवा में नमी का स्तर 49 से 94% रहा। वहीं आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो यानी कि अब धीरे धीरे दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में ठंड महसूस की जाने लगी है। सुबह के समय जो लोग हाफ शॉर्ट्स में निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, टी शर्ट्स पहन के निकलते थे, अब वो भी स्वेटर और गर्म कपड़ों में दिखने लगे हैं। सुबह शाम की जो ठंड है महसूस की जाने लगी है और दिन में जो धूप खिली हुई निकलती है, मौसम साफ रहता है, धूप का इतना भी असर अब देखने को नहीं मिल रहा है और दिवाली तक ठंड में और इजाफा देखने को मिलता रहेगा। धीरे धीरे ठंड और ही बढ़ने के आसार हैं और अब मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल वेदर अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।